हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंग सिस्टर्स आर्ट में। आज जो पेंटिंग हम बनाने वाले हैं उसके लिए चाहिए हमें एक ब्रश, पेंसिल, रबर, एक ब्लैक पेन, एक्रिलिक कलर, एक पेपर, आप चाहे तो वाटर कलर भी ले सकते हैं। सबसे पहले पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। आप किसी भी चीज़ से सर्कल बना सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद ब्रश पर पानी लेना है और सर्कल में उसे पूरी तरीके से फैला लेना है। उसके बाद ऑरेंज कलर लेना है और फिर उसे सर्कल में पूरी तरह से पेंट कर लेना है। इस तरीके से पूरे राउंड में ध्यान रखिएगा, सर्कल पूरी तरह से गोल होना चाहिए, इसलिए इसे धीरे धीरे करेंगे। एक लेयर लाइट करने के बाद हम उसे और भी डार्क करेंगे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से डार्क कर लेना है। सर्कल को पूरा पेंट करने के बाद हम पेपर को वर्टिकली रखेंगे और हम इसमें ट्री बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पे ट्री बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे एक लाइन बनाने के बाद हम इसे मोटा करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन स्टेम है, इसलिए ये थोड़ा मोटा दिखना चाहिए। स्टेम बनाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे। जैसा कि आपने ट्री में देखा ही होगा, नीचे बड़े ब्रांचेस होते हैं, ऊपर छोटे ब्रांचेस होते हैं, तो ऊपर छोटा छोटा ब्रांच बनाएंगे, उसके नीचे बड़ा बड़ा ब्रांच बनाएंगे और एक ब्रांच में फिर और सारे ब्रांच, फिर उसमें हम धीरे धीरे करके लीव्स बनाएंगे। लीफ हम बाद में बनाएंगे, पहले सारे ब्रांचेस ऊपर से नीचे तक बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच आप कैसा भी बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा या फिर एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ तो कहीं से भी जाती हैं, आपने देखा ही होगा। इसी तरीके से नीचे तक हम पूरे ब्रांचेस बना लेते हैं। सारे ब्रांचेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक और ट्री बनाएंगे। यहाँ पे इस ट्री को हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे। एक बार बनाने के बाद फिर उसे थोड़ा सा मोटा करेंगे, क्योंकि ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम बनाने के बाद फिर इसमें छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने सारी ब्रांचेस बना ली हैं और अब हम बनाएंगे लीफ। तो लीफ बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें लेना है ब्लैक कलर और ब्रश में इस तरीके से उसे धीरे धीरे पेपर पे टच करना है। एक साथ पूरा कलर नहीं कर देना है, क्योंकि फिर वो लीफ की तरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो छोटी छोटी ब्रांच बनाई है हमने, उसमें लीफ बनाते जाना है इस तरीके से, कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ते हुए, कहीं पे डेंस, कहीं पे लाइट, इस तरीके से। यहाँ पे ब्रश में ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से सारी ब्रांचेस में हमें लीफ बना लेनी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी इसी तरह के आर्ट ट्यूटोरियल्स के लिए। तो अब हमने सारे ट्री में लीफ बना लिया है, देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा पेंटिंग। अब इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे बर्ड। बर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर से बर्ड को क्रॉस करना है ना, जॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे क्रॉस करना है, तो उसका लुक और भी अच्छा आता है। डायरेक्ट जो आर लेटर होता है वैसा नहीं बनाना है, यहाँ पे क्रॉस करना है। यहाँ पे आप लोग कोई भी थॉट लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इज ब्यूटिफुल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल से कोई भी आर्ट वर्क देखकर बनाते हैं या फिर इंस्पायर होते हैं तो हमें टैग करना हम ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हो गई है हमारी पेंटिंग कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद कुछ वो इस तरीके से दिखती है। आप इसे फ्रेम करा सकते हैं, आप इस पेंटिंग को कार्ड में भी बनाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और बुक मार्क के भी जैसा यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much for watching.